हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडल स्कूल राजगढ़। दोस्तों, मॉडल स्कूल राजगढ़ का ये खूबसूरत यूट्यूब चैनल आप सभी श्रोताओं, दर्शकों एवं जिज्ञास पाठकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। दोस्तों, लेके आए आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एजुकेशनल न्यूज़। और ये न्यूज़ दोस्तों संबंधित है उत्तर प्रदेश के जो एडेड स्कूल हैं, जिनको दोस्तों सरकार वित्त पोषित करती है, लेकिन उनका प्रबंध तंत्र दोस्तों निजी तंत्र के हाथों में रहता है। अभी तक ये प्रक्रिया रही है कि निजी तंत्र जो है सरकारी महकमे में, दोस्तों निजी तंत्र की जो भूमिका रहती थी वो पारदर्शी नहीं रहती थी, इसलिए योग्य अभ्यर्थियों का चयन दोस्तों नहीं हो पाता था। भाई भतीजावाद या मिली भगत से दोस्तों इसमें शिक्षक तैनात हो जाते थे, और दोस्तों जो योग्य अभ्यर्थी हैं वो तमाम योग्यताओं के बावजूद भी इससे वंचित हो जाते थे। अब सरकार ने दोस्तों ये जो दुर्व्यवस्था है इसमें परिवर्तन के लिए जो है एकदम इच्छा शक्ति अपनी प्रबल कर लिया है। अब उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ के निर्देशन में, नेतृत्व में जो चल रही सरकार है, उसने अब जो जूनियर हाई स्कूल हैं, जो एडेड स्कूल हैं, जिनको सरकार वित्त पोषित करती है भले ही वो प्रबंध तंत्र के हाथों में हों, अब उसमें योग्य शिक्षकों की नियुक्ति की हेतु बेसिक शिक्षा नियमावली में दोस्तों संशोधन का मन बना लिया है। तो आते हैं दोस्तों पूरी की पूरी न्यूज़ आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। आज की दोस्तों ये न्यूज़ है, एडेड जूनियर हाई स्कूल में शिक्षक भर्ती के लिए अब लिखित परीक्षा होगी। पूरी की पूरी न्यूज़ से आपको रूबरू कराते हैं। ये है दोस्तों न्यूज़। परिषदीय विद्यालयों की तरह अब प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड जूनियर हाई स्कूल के शिक्षकों व प्रधानाध्यापकों की भर्ती के लिए भी लिखित परीक्षाएं होंगी। एडेड जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षक भर्ती में प्रबंध तंत्र की मनमानी और भ्रष्टाचार रोकने के लिए शासन यह कदम उठाने जा रहा है। प्रदेश में 3082 एडेड जूनियर हाई स्कूल हैं, जिनमें शिक्षकों व प्रधानाध्यापकों के लगभग 24,000 पद सृजित हैं। वर्तमान में NCTE द्वारा जूनियर हाई स्कूलों के शिक्षकों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता हासिल करने के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा, जिसे TET बोलते हैं, उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को एडेड जूनियर हाई स्कूल का प्रबंध तंत्र साक्षात्कार के आधार पर नियुक्त करता है। इसके लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का दोस्तों अनुमोदन लिया जाता है। साक्षात्कार के आधार पर होने वाले इस चयन में भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद की शिकायतें शासन को लगातार मिल रही थी। शिक्षा की गुणवत्ता अलग प्रभावित हो रही थी, लिहाजा हाल ही में बेसिक शिक्षा विभाग के कामकाज के दौरान मुख्यमंत्री ने एडेड जूनियर हाई स्कूलों के शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों का चयन मेरिट के आधार पर पारदर्शी तरीके से करने का निर्देश दिया था। इसी क्रम में बेसिक शिक्षा निदेशालय ने शासन को एडेड जूनियर हाई स्कूलों के शिक्षकों व प्रधानाध्यापकों की भर्ती राज्य स्तर पर आयोजित की जाने वाली लिखित परीक्षा के आधार पर कराने का प्रस्ताव भेजा है। इसके लिए उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल अध्यापकों की भर्ती नियमावली 1978 में संशोधन किया जाएगा। एडेड जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता यथावत रहेगी। वहीं अध्यापक की भर्ती के लिए बतौर शिक्षक 5 साल का अनुभव दोस्तों ज़रूरी होगा। 5 साल का अनुभव ज़रूरी है, और शिक्षक और प्रधानाध्यापकों की भर्ती के लिए अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन मांगे जाएंगे। दोस्तों, ये बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन है और भ्रष्टाचार की जड़ों पर बहुत ही तगड़ा आघात है, क्योंकि काफ़ी कुछ पारदर्शी होने जा रहा है। ऑनलाइन जो है आवेदन मांगे जाएंगे, और स्टेट लेवल पे दोस्तों रिटर्न एग्ज़ाम होगा, मेरिट बनेगी। भर्ती के लिए लिखित परीक्षा के आधार पर गुणांक का निर्धारण प्रसिद्धी शिक्षकों की भर्ती के लिए अपनाए जाने वाले फार्मूले के आधार पर होगा। गुणांक निर्धारण में हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक और प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के प्राप्तांक प्रतिशत में से प्रत्येक का 10% और लिखित परीक्षा के प्राप्तांक का 60% जोड़ा जाएगा। तो रिटर्न एग्ज़ाम भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है, क्योंकि उसका जो कुछ अंक आप पाएंगे उसका 60% जोड़ा जाएगा और 40% आपका एकेडमिक रहेगा। शिक्षक पद पर चयनित अभ्यर्थियों को जिले और विद्यालय का आवंटन, उनकी रैंकिंग और विकल्प के आधार पर
सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाएगा। प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी दिलाने की इस समय दोस्तों तैयारी हो रही। तो ये जो बेसिक शिक्षा निदेशालय है उसने एक ड्राफ्ट बना करके एक फार्मूला बना करके पारदर्शी तरीके से शिक्षकों की नियुक्ति हो एडेड जूनियर हाई स्कूलों में दोस्तों एक ब्लू प्रिंट बना करके भेज दिया है एक सॉफ्टवेयर। अब दोस्तों ये कैबिनेट से मंजूरी मिलने की देर है और हमें ऐसा लगता है कि पूरा विश्वास है कि चूँकि मुख्यमंत्री के निर्देशन और नेतृत्व में साफ़ सुथरे शिक्षकों की भर्ती की कवायद चालू हो चुकी है तो ऐसा लगता है कि ये भी प्रक्रिया दोस्तों पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करना, चैनल पे कमेंट करना और इसे ऐसे ही जिज्ञास पाठकों और श्रोताओं के बीच में दोस्तों शेयर भी करना। लेकिन दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं, अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो इसे कर लें, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं मोहक शैक्षिक मोहक एजुकेशनल वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।